उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज एक न्यू NFO लॉन्च हुआ है, मोतीलाल ओसवाल 500 S&P 500 इंडेक्स। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा इस फंड के NFO के बारे में, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक अपनी वीडियो में इसके बारे में बताया हुआ है। अगर आपने वो हमारी वीडियो चेक नहीं की तो आप वो चेक कर सकते हैं हमारी वीडियो पर जाकर। तो आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ वो है किस तरह से हम NFO में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए, कई इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि न्यू होते हैं, उनको पता नहीं होता कि कैसे इन्वेस्टमेंट है जो हम NFO में कर सकते हैं या किस प्रकार या किस जरिए। अगर आपका अकाउंट है तो कैसे उसमें ऑप्शन आता है, कहाँ आता है, कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कितनी अमाउंट होती है, तो चलिए वो तो हम बता देते हैं वीडियो में कि इतनी मिनिमम अमाउंट होती है, इतनी सब्सक्रिप्शन अमाउंट होती है जो करने की। तो बट मैं आज आपको बताने वाला हूँ, मेरे ही आज एक व्यूअर्स ने, मेरे भाई ने पूछा था कि कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाए NFO में। तो मैं आपको आज बताऊँगा ग्रो ऐप के थ्रू कि NFO में कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है या सब्सक्रिप्शन की जाती है। तो उसके लिए मुझे आपको लेके चलना पड़ेगा स्क्रीन पर, तो वहाँ पर आपको मैं अच्छे से बताऊंगा कि आप किस तरह से जो NFO के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं ले आया हूँ आपको मोबाइल की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले चलते हैं ग्रो ऐप में। अगर आपका अकाउंट नहीं है और आप अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पर जाकर जो है अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे किससे NFO में सब्सक्रिप्शन करना है। तो ग्रो ऐप को ओपन करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस है जो शो होगा। आफ्टर देन यहाँ पर क्विक एसेसिस का ऑप्शन मिलेगा आपको। यहाँ पर काफ़ी प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे, स्मार्ट सेव, रेफर एंड अर्न, सेव टैक्स स्कीम्स मिलेंगे। तो यहीं पर एक NFO वाला भी ऑप्शन आएगा, न्यू फंड ऑफरिंग। तो इन्वेस्ट इन न्यू फंड ऑफरिंग्स लिखा हुआ है, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो अभी लोडिंग हो रहा है, जोन जोन से NFO ओपन होंगे तो वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो देखिए, ये करंटली लाइव NFO है जो आज ही लॉन्च हुआ है और क्लोजिंग 23 अप्रैल को है, मोतीलाल S&P 500 इंडेक्स फंड डायरेक्ट। तो इससे पहले जो कुछ फंड्स NFO लॉन्च हुए थे उनकी भी जो लिस्ट है नीचे दी हुई है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इसमें कैसे सब्सक्रिप्शन करना है। तो चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं NFO पर, जिसे को हमें सब्सक्राइब करना है। तो यहाँ पर है जो आपको यहाँ पर आपको जो स्कीम्स की वो होंगी कि इक्विटी स्कीम है, मल्टी कैप है, लार्ज कैप है, वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो यहाँ पर सारी आपको नॉलेज मिल जाएगी, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का, मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 500 रुपये कर सकते हैं, एग्जिट लोड अगर आप 3 मंथ महीने के अंदर अंदर रिडीम करते हैं मनी तो आपको 1% टैक्स लगता है। तो चलिए यहाँ पर हम करते हैं 1 टाइम पर क्लिक। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है जो हमारी 500 रुपये हैं, तो यहाँ पर करके प्रोसीड कर देते हैं। और यहाँ पर जो है हमारा एक कार्ड आ जाता है, जो जो आपने इन्वेस्टमेंट के लिए किए होती है आपकी कंप्लीट नहीं होती, वो यहाँ पर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करेंगे। तो कोई भी जो आप ऐप यूज़ करते हैं, गूगल पे, फ़ोनपे या जो भी आप जिससे भी अपनी अमाउंट ग्रो ऐप में म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए, अब पेमेंट हो जाएगी डायरेक्टली और आपको जो है मैसेज आ जाएगा स्क्रीन पर कि आपकी जो है पेमेंट सब्सक्रिप्शन सक्सेसफुल हो गई है NFO के लिए। तो ये था सिर्फ छोटा सा तरीका एक NFO में अप्लाई करने के लिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर।